हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन किया था, पूरा चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। आज हम पढ़ेंगे कहां ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हम यूज में ले सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। बिना मेजरमेंट किए कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हाइट और डिस्टेंस पता कर सकते हैं, वो भी बिना मेजरमेंट किए, आज हम वो समझेंगे, वो पढ़ेंगे। हमारे सामने एक टावर है सी डी, ये एक टावर है सी डी, और एक बच्चा खड़ा है ए, एक बॉय है ए। जब ये बच्चा इस टावर के टॉप सबसे ऊपर देखता है तो क्या होता है, सी पॉइंट पे जब देखेगा, ये टावर है और टावर के सबसे ऊपर देखेगा तो एक लाइन बनती है इस तरीके से, ये एक हमारी लाइन बनी है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और जब बच्चा इस टावर के जस्ट हॉरिजॉन्टल देखेगा, एकदम हॉरिजॉन्टल देखेगा, तो कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी, उस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। मीन्स कि जब बच्चा या कोई भी नीचे से ऊपर देखेगा और जो लाइन बनेगी वो होगी लाइन ऑफ साइट, और जब हॉरिजॉन्टल देखेगा तो जो लाइन बनेगी वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। जब ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में हम एंगल बनाते हैं, ये हमारी टू लाइन्स ही थी एसी और एबी, इसके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ऐसा एंगल जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में हो, वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम किस तरीके से बिना मेजरमेंट किए ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हाइट्स और डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये बताता हूं मैं आपको। ये हमारा, अगर हम इस लाइंस को देखें ए सी ए बी, और ये जो ट्राइंगल की हाइट है पूरी, अगर हम इनको मेजर करें, अगर इस ट्राइंगल को, यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर मैं टावर और इन लाइंस को मेजर करूं तो यहां पे बन रहा है एक ट्रायंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल को अगेन वापस ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारी लाइन है ए बी जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और ये लाइन है ए सी लाइन ऑफ साइट, और ये है मेरा एंगल। मैं मान लू कि ये एंगल है थीटा। अब यहां पे क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। किसी भी ट्रायंगल को हम तीन साइड्स होती है और तीन एंगल्स होती है, तीनों साइड्स होती है एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूस और एक होता है बेस। तो हम किस तरीके से किसको बेस मानेंगे, किसको परपेंडिकुलर मानेंगे, किसको हाइपोटेन्यूस मानेंगे, मैं आपको बताता हूं। जो भी ट्रायंगल होता है उसकी सबसे बड़ी जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर एसी सबसे बड़ी साइड है, हम मेजर ऑब्जर्व करें तो ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूस। अब बात करते हैं कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो जब हम एंगल, ये जो हमारा एंगल है थीटा, इसको रेफरेंस लेके चलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंगल थीटा लेते हैं, तो इसके जो अपोजिट साइड होगी, ये एंगल ए थीटा, इसके जो अपोजिट साइड है ये वाली साइड, ये होती है हमारी परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग है ये होगी हमारी बेस। तो जो तीन साइड्स में सबसे बड़ी साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूस, और जो एंगल, जिस एंगल को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चल रहे हैं, उसके अपोजिट जो होगी साइड वो होगी परपेंडिकुलर, और ये होगा हमारा बेस। अब ये तीनों साइड्स हमको पता लग गई, ये हमको थीटा एंगल पता लग चुका है, तो मैं आपको वापस रिवाइज कराना चाहूंगा। हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था एक फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। इस फॉर्मूला से हमारा कुछ इस तरीके से बनता था, पंडित पीएच बीएच और पीबी,
पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूस और बी से मेरा होता है बेस। मीन्स कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल से हमारा एक फॉर्मूला छुपा हुआ है। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं तो हमने सीखा था, हम लेते हैं साइन, बेस और हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं तो हम कोस, और परपेंडिकुलर और बेस की बात करते हैं तो टेन। मीन्स कि अगर हमारे पास एंगल थीटा है और बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में से कोई भी एक चीज है तो हम इजीली दूसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। मुझे अगर बीसी हाइट पता करनी है तो मैं कर सकता हूं, मुझे अगर बेस एबी पता करना है तो कर सकता हूं, और अगर मुझे एसी पता करना है तो भी मैं कर सकता हूं। कैसे करेंगे वो देखिए। अगर मेरे पास, आप सपोज कीजिए बेस है एबी, मेरे पास अवेलेबल है एक्स, और मुझे फाइंड करना है बीसी। अगर मुझे फाइंड करना है परपेंडिकुलर तो मेरे पास क्या है, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में मुझे करना है, तो बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, यहां पे, तो ये होता है 10। यानी कि एंगल ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं हम थीटा, तो यहां पे होगा 10 थीटा, और 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरे को फाइंड करना है तो मैं लिख दू परपेंडिकुलर बीसी और बेस है मेरा एबी, तो मेरे को बीसी फाइंड करना है तो यहां से मेरा बीसी हो जाएगा 10 थीटा इंटू ए बी। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, और थीटा की वैल्यू 0, 30, 60, 45, 90 जो वैल्यूज होगी वो हमने एक ट्रिग्नोमेट्री इंडेक्स में, सारी वैल्यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, वहां से हम वैल्यूज लिख लेंगे, और इस तरीके से हम बिना मेजरमेंट किए हाइट्स और डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ये डायग्राम देखें तो हमको इसमें एक एस्ट्रोनॉट दिखेगा। ये जो एस्ट्रोनॉट है ऊपर एयर से अर्थ पर एक जो ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है, अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट को देखेगा ऊपर एयर से तो कुछ इस टाइप की लाइन बनेगी। ये हमारा है ऑब्जेक्ट और ये एक एस्ट्रोनॉट। ऊपर एयर से अगर अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये जो लाइन होगी ये होगी लाइन ऑफ साइट, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये अगर एस्ट्रोनॉट हॉरिजॉन्टल देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल इस तरीके से बनेगा। अब जो लाइन ऑफ साइट है और जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले हमने पढ़ा था एंगल ऑफ एलिवेशन, जब कोई ऊपर की ओर देख रहा था और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बना था वो था एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहां पे जब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बना है वो है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो ये है मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये जितना एंगल होगा उसके बराबर होगा मेरा एंगल ये वाला, क्योंकि ये जो वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लेवल वाली लाइन और ये जो अर्थ सरफेस, ये दोनों क्या होगी, एक दूसरे से पैरेलल होगी। और हमने पढ़ा है कि जब टू लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं ये इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, जब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम सोल्व कर सकते हैं। ये हमारी, अगर हमको फाइंड करना हो कि आपका जो हमारा एस्ट्रोनॉट है कितनी हाइट पे है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं, लाइन डायग्राम बनाऊं, ये हमारी अर्थ सरफेस है और ये लाइन ऑफ साइट, और जिस डिस्टेंस पे हमको देखना है, हमको फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस हमको अगर फाइंड करना है कि हमारा जो एस्ट्रोनॉट है किस पॉइंट पे, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये जो एंगल है, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस टाइप से है और ये जो एंगल है वही एंगल ये होगा। अगर मैं इनको नाम दू पी क्यू आर तो ये जो वाला एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो इसके बराबर होगा। सपोज ये अगर हमारा थीटा है तो हम, मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल की परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस और बेस कैसे लेते हैं। ये जो सबसे बड़ी साइड होगी ये होगी हाइपोटेन्यूस, इस थीटा के जो अपोजिट साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। तो मेरे पास अगर बेस अवेलेबल है, मेरे पास अगर बेस पता है तो मैं जो हाइट फाइंड करनी है परपेंडिकुलर इजी फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल।
अब अगर मेरे पास बेस है और मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, तो मैं फाइंड कर सकता हूं परपेंडिकुलर और बेस होता है यहां और ये होता है टेन, क्योंकि ये होता है साइन के लिए और ये होता है कॉस के लिए। तो मैं टेन रख के फाइंड कर सकता हूं कि ये थीटा अगर मेरे पास है तो मेरा हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस कि पी क्यू अपॉन क्यू आर। और अगर क्यू आर क्या है मेरा बेस, क्यू आर अगर मेरे पास गिवन है तो मैं क्या करूंगा इसको टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टेन थीटा इंटू क्यू आर इक्वल टू मुझे मिल जाएगी हाइट। इस तरीके से मैं बिना मेजरमेंट किए मैं हाइट्स और डिस्टेंसेस पता कर सकता हूं अगर मुझे मेरे पास एंगल पता हो और ट्रायंगल की एक साइड पता हो। तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि बिना मेजरमेंट किए किस तरीके से हम हाइट और डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं।